तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8 और मैं रेडी हो चुका हूँ ले से निकलने के लिए नूबरा वैली। और देखते हैं अभी नूबरा वैली पहुँच के कितना टाइम बचता है। अगर पैंगोंग पहुँच सके तो पैंगोंग पहुँचेंगे, नहीं तो नूबरा वैली स्टे करेंगे। ये देखो अपने बाइक पर सामान बांध लिया है। अब हो गए रेडी, टाइम आ गया है ले को बाय बाय कहने का और दोस्तों को भी बाय बाय। निकल रहा हूँ लेह जोस्टल से पैंगोंग लेक की तरफ। टाइम हो रहा है सुबह के 7:58। और देखते हैं अगर लगा कि पैंगोंग पहुँच सकेंगे तो पैंगोंग रुकेंगे, नहीं तो फिर नूबरा वैली रुकेंगे। दोस्तों सुबह उठ के मैं 6 बजे ही रेडी होना शुरू हो गया था बट फिर भी निकलते निकलते 8 बज ही गए। ऐसा है कि जब धूप पड़ती है सीधी तो बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है और इवन की इतनी तेज़ होती है कि आपको स्किन पे जलन महसूस होने लग जाती है। और ठंड तो यहाँ है ही उसके साथ, तो ठंड तो मतलब रहती रहती है, साथ में ये भी है सीन की धूप में भी नहीं अगर ज़्यादा देर वो बैठ सकते या खड़े हो सकते क्योंकि स्किन की बर्निंग सेंसेशन फील होने लग जाती है। तो काफ़ी चैलेंजिंग वेदर है इस तरफ का और ऊपर से एयर भी ड्राई है, मतलब होठ वगैरह सूख रहे हैं, हाथ वगैरह फट से रहे हैं, अजीब से हो रहे हैं, ऐसा वेदर है। ये ले की मेन मार्केट है, अभी तो खाली पड़ी है, 10 बजे के आसपास खुलती है। जगह यहाँ पे ऐसे बने होते हैं इतने स्तूपास कहते हैं शायद। यह सोलर पावर्ड, ऊपर सोलर पैनल है और स्ट्रीट लाइट है और नीचे बैटरी बैंक होगा इनका। ये बात है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग पे ध्यान दिया जा रहा है। दो तीन दिन कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सांस चढ़ रहा है यहाँ पे, कर लिया भरवा लिया पेट्रोल पंप से और टैंक में वो जो कैनी सी लगाई हुई है साइड में, और बाइक का भी फ्यूल पूरा टॉप अप करवा लिया क्योंकि आगे फिर है तो सही है पेट्रोल पंप नूबरा वैली में बता रहे हैं, पर पता नहीं वहाँ पे मिले या ना मिले तो इसलिए पहले से ही रेडी होके चलो। ये कंडीशन ऐसी है, मेरा मन था कि थोड़े टाइम बिना ग्लव्स के करूँ राइड पर भाई ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ आ रही के लग रही है मुंह पे, मतलब कोई जमा ही बर्फ़ वाला पानी या कह लो आइस ही रख देता है फेस के ऊपर। अगर हेलमेट खोल लो या ग्लव्स उतार लो कहीं थोड़ी सी भी हवा लगती है ना वो इतनी बर्फीली होती है कि मतलब एक बारी तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने बर्फ़ की सिल्ली रख दी हो ऊपर। अंगला पास वाली तरफ से आ गया और नूबरा वैली के लिए रास्ता पीछे से था ले से दूसरी तरफ, तो वो खारदुंगला होते हुए जाता था बट चलो कोई बात नहीं। अब हम चांगला होते हुए पैंगोंग और कोशिश करेंगे अगर पैंगोंग से भी आगे निकल जाए तो अब ये कर लेते हैं नूबरा फिर कभी से ही क्योंकि अब यहाँ से वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बढ़ रहा हूँ चांगला पास की तरफ और चढ़ाई आ गई है और बाइक 35-40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, इससे ज़्यादा नहीं तेज़ हो पा रही है यहाँ पे। और दोस्तों पर यह कि चढ़ बढ़िया रही है, जैसे पहले दबती थी दब दूब नहीं रही है, फर्स्ट क्लास चढ़ रही है। और दोस्तों यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ गई है,
मैंने अंदर थर्मल पहना हुआ है, उसके ऊपर जैकेट है, उसके ऊपर फिर ये गियर है, और वैसे ही बॉटम्स में थर्मल है, उसके ऊपर फिर फ्लीज है जो गियर्स का होता है, देन गियर है, और पर फिर भी ठंड लग रही है, और हाथ में ये -10 या पता नहीं जो भी सबसे वो थे कम टेम्परेचर वाले ग्लव्स वो हैं डीकैथलॉन के, बट इनके अंदर भी फिंगर्स भाई हो रही है नम सी ना ठंड से, तो ठंड महसूस हो रही है। बाकी ये देखो ऐसे नज़ारे हैं सामने के, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम है चल रहा, और चांगला पास भी यहाँ से 23 किलोमीटर है, तो ये मुझे लग रहा है सारा ऐसे ही ना हो रास्ता। तो ये हालत बहुत ही ख़राब है, मतलब बजरी गिरी हुई है रास्ते पे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना लंबा पैच होगा, बाइक भी स्किड कर करके चल रही है, तो मुझे ध्यान से चलानी पड़ रही है काफ़ी। इतनी बजरी यहाँ से गिरी कहाँ से मुझे ये नहीं समझ आ रहा। देखो रोड के ऐसे हालात हैं यहाँ पे, ले टू पैंगोंग बाय चांगला पास। तो दोस्तों ये रास्ता कुछ ऐसा है, सारा ही ऑफ रोड चांगला पास का, और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं पहाड़ों के। थोड़ा सही पैच आ गया, और ये देखो सामने का व्यू, पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं, बर्फ़ भी पड़ी है सामने, और वो जो रास्ता दिख रहा है ना वहाँ से आए हैं हम ऐसे 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 नीचे से पहाड़ चढ़ते हुए। तो भाई बुलेट चल तो मस्त रहा है ऐसा, मतलब पहले से तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बढ़िया करा हमने लेह में करा लिया था चेक किए, और वो जो ताशी मैकेनिक भाई साहब थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो दोस्तों आपको दिख रहा है वो बादल, अपने मुझे लग रहा है हम उससे ज़्यादा ही हाइट पे हैं। तो भाई शुक्र है रोड का अच्छा पैच आ गया, नहीं तो मैं तो घबरा ही गया था ऑफ रोड देख के इतना गंदा बजरी वाला। बर्फ पड़ी हुई है, आई होप आपको दिख रही होगी वो वाली, और ठंड यहाँ बहुत 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 ही ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा भी हेलमेट का शीशा खोलूँ ना ठंडी हवा लग जाए तो वो पूरा एन फ्रीज कर देती है फेस को। बर्फ वाला पहाड़, ठंड हो रही है पूरी यहाँ पे ज़बरदस्त वाली, ख़तरनाक वाली। और महीना भी है सितंबर, सितंबर में यहाँ ये हाल है, तो दिसंबर जनवरी में क्या होता होगा, मुझे लगता है पूरा ही बर्फ़ से ढक जाता होगा, ये रास्ते वास्ते सब बंद हो जाते होंगे। सामने पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ, तो ये देखो सामने क्या मस्त बर्फबारी हो रखी है। क्रॉस कर रहा हूँ चांगला पास, कुछ ऐसा रास्ता है ये, तो पास पे तो अच्छा रोड बना हुआ है। ये आ रहे हैं अपने फेल राइडर्स भाई।
पास है, चांगला पास, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। उंगलियाँ वगैरह की कुल्फ़ी जम रही है, हाथों की उंगलियों की कुल्फ़ी जम रही है, बर्फ़ जमी हुई है। ये देखो दोस्तों, सड़क पे बर्फ़ जमी हुई है यहाँ, इसका मतलब माइनस में टेम्परेचर। दोस्तों ये मैं पहुंच गया हूँ चांगला पास। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चांगला पास। ये खड़ी है अपनी बाइक, ये देखिए समुद्र तल से सतारा 6888 फीट ऊपर। ठंड बहुत है यहाँ पे। ये ऐसे चांगला बाबा जी का टेंपल है, जय हो बाबा जी की। वेलकम टू चांगला गांव का। बहुत ठंड हो रही है यहाँ तो, जल्दी से फोटो क्लिक कराते हैं और निकलते हैं, बहुत ठंड है दोस्तों। तो फाइनली हम हैं चांगला पास पे, और भाई कुल्फ़ी जम गई, एक फ़ोटो क्लिक कराई है, हाथ अकड़ रहे हैं, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से इससे पहले कि हमारी कुल्फ़ी जम जाए। इन लोगों की कमाल है, साइकिल पे आए हैं सभी, पता नहीं कहाँ से ये लोग। साइकिल पे चले हुए, यहाँ बाइक पर बुरे हाल हो रखे हैं, ये फिर भी साइकिल पे चल रहे हैं। चांगला पास से नीचे उतर रहा हूँ, तो यहाँ से जब नीचे उतर रहे हैं तो मैं मतलब जो बहुत ज़्यादा ढलान आती है तो मैं बाइक को उसी गियर पे रखता हूँ, सेकंड या थर्ड पे, जिस पे मैं उस ढलान पे चढ़ा था। ये मतलब बेसिक रूल है पहाड़ों का, अगर आप वहाँ पे ओवर स्पीडिंग करेंगे हम तो जब अचानक से टर्न आएगा तो बाइक स्किड कर जाएगी, क्योंकि बाइक का मोमेंटम बना होता है। तो हमेशा माइंड में ये बात रख के चलना कि जिस गियर में ऊपर चढ़ाई है उसी गियर में उतारो, और ब्रेक का ज़्यादा यूज़ ना करो, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो, सेकंड थर्ड गियर में डाल के छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है तो बार बार ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है, बस सेकंड थर्ड गियर में डाल के छोड़ दो, वो अपने आप ही इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करके बाइक आराम आराम से उतरती रहेगी। तो थोड़ा ये था ज्ञान। करके कुछ ऐसा रास्ता आ गया सीधा सीधा सा, थोड़ा ये कितनी सही जगह आई है एक। ये आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं है जो पानी के रास्ते से, इसमें बर्फ जमी हुई है चारों तरफ, और आगे एक वो लेक है, देखो दिख रही है क्या, अगर दिख रही होगी तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, बार बार कैमरा ऑपरेट करो, ये करो वो करो, रुको वीडियो लो, ठंड में ग्लव्स से हाथ बाहर निकालो, हाथ अकड़ जाते हैं भाई इतनी ठंड है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें और प्यार दें ढेर सारा था। ये देखो यार आसपास के व्यू कितने सही हैं। लेक के पास एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ हम करेंगे आज का ब्रेकफास्ट।
ये देखो दोस्तों लेक, कौन सी लेक है ये तो मुझे भी नहीं पता पर लेक है। खड़ी हो जा बाइक, वादियों के बीच। हवा और यहाँ हवा बड़ी ठंडी है, दो चार मिनट में ठंडा हो गया। और ये अपनी थाली खाने की, ब्रेकफास्ट नहीं करा था मैंने सुबह से, और जो कहते हैं ना डेस्टिनी, मुझको क्या पता था कि ब्रेकफास्ट इतने अच्छे व्यू के साथ होगा आज। इतनी प्यारी लेक देखी बीच में एक, हो गया। अब चलते हैं यहाँ से, इस जगह को करते हैं बाय बाय और चलते हैं पैंगोंग लेक की तरफ। अपनी नूबरा वैली रह गई पर चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें छोड़नी भी चाहिए अगली बारी के लिए। हाँ तो थोड़ा सा ही कुछ करो, सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा ही कुछ भी कर लो, थोड़ी सी बाइक आगे पीछे कर लो उसमें सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा चल लो तो भी सांस चढ़ जाता है। ओ काफ़ी मस्त जगह पे कैफे बना हुआ था ये, और काफ़ी सीनिक ब्रेकफास्ट रहा ये, मतलब इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा सीनिक ब्रेकफास्ट। ये थोड़ा ऐसा ऑफ रोड सा रास्ता, ये आ गया दोस्तों मैं मेन रोड पे, सामने कुछ ऐसे नज़ारे। खाना खा के थोड़ा अच्छा सा लग रहा है और रोड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे, बीच में थोड़ा सा पैच आया था ख़राब। और भाई नूबरा वैली साइड भी पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा था, और वैसे मैंने नूबरा वैली जाना था पर मुझे लगा कि वो इसके रास्ते में ही है पैंगोंग के, तो वो मुझे ये नहीं पता था कि अलग ही गोल सर्किट है। मैंने मैप में पैंगोंग डाला तो उसने शॉर्टकट से ले आया, तो मैप मुझे शॉर्टकट से ले आया। अब काफ़ी आगे आने के बाद चांगला पास वाले रास्ते पे, जहाँ वो एक जगह परमिट चेक हुआ था मेरा, तो वहाँ पे पता लगा मुझे कि मैं दूसरी साइड आ गया हूँ। पर चलो अब आगे तो आगे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो बस फिर उसके बाद, अरे वाह व्हाट अ व्यू, व्यू देखो गाइस, तो दोस्तों अभी पहले आएगा दुर्बुक विलेज। यहाँ पे यार अचानक ही स्पीड तेज हो जाती है और अचानक ही करवा जाता है, तो अभी आएगा दुर्बुक विलेज पहले, देन आएगा पैंगोंग लेक।
दुर्भुक 18 किलोमीटर रह गया यहाँ से। पहले मुझे ये नाम सुनने में बड़े अजीब से लगते थे गाँव के, दुर्भुक और ये और ऐसे ऐसे, पर अब बैठ गए हैं जुबान पे दुर्भुक। सेफ्टी सेव्स, यस माय फ्रेंड, वेरी थ्रू सेफ्टी सेव्स। बड़ा बुल्ट प्यारा सीन। ये व्यू चेक करो गाइस, ये देखो दोस्तों ये लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ है। अलग ही व्यू। ये व्यू देखो दोस्तों, अरे क्या मस्त व्यू है। थरी पत्थर गिरे हुए रास्ते में, गाइज ये आ गया दुर्भुक विलेज, विच हाउस टू मेक अ हैप्पी विलेज। ये देखो ये है दुर्भुक विलेज, यहाँ से निकल रहे हैं तो रोड। ये कहाँ कहाँ पर जा रहा है, दौलत बैगाल्डी श्योक चार बार। इस तरफ को टांगस्टांग पैंगोंग, ये है दोस्तों दुर्भुक विलेज, ड्रैगन रेस्टोरेंट आइलैंड। चलो फिर से अच्छी रोड आ गई, पहले वाली सिंगल रोड थी, काफ़ी देर से ये ट्रक वाला मेरे आगे ही चल रहा था, बट सिंगल रोड थी क्या कर सकते थे। अब करते हैं इसको ओवरटेक। ये दुर्भुक के बाद काफ़ी अच्छी सी रोड आ गई, इस पर तो मैं काफ़ी बढ़िया क्रूज कर रहा हूँ, भगा रहा हूँ बाइक पूरी। इतनी अच्छी रोड थी, अब ये ऑफ रोड पैच आ गया। जब भी ऐसा पैच आता है ना मुझे टेंशन हो जाती है बजरी बजरी वाला, क्योंकि बजरी पे बहुत संभल के चलना पड़ता है, कभी भी बाइक स्किड कर सकता है। फाइनली ऑफ रोड ख़त्म हुआ और अच्छा रोड आया। अच्छा रोड देखते ही जान में जान आ जाती है। ये देखो व्यू यार, ये पेंगोंग लेक इतना मतलब फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और रास्ते में कोई एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या है यार ये। और ये देखो व्यू ऑसम है। मैं थोड़ा इस चीज़ से वो रखा हूँ कि यार कम से कम कुछ ना कोई साइन बोर्ड तो लगा दो, कुछ तो लगा दो, यहाँ पे ना नेटवर्क है ना कुछ है, कि बंदे को पता तो हो कि सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, कितने किलोमीटर रह गए। ऐसे ही चलते रहो चलते रहो। चलो एक चीज़ का तो शुक्र है कि रास्ते इतने अच्छे हो गए, इतना तो शुक्र है कि रास्ते बहुत अच्छे हैं।
गाइस अभी यहाँ मैंने पूछा एक लोकल बंदे से कि पैंगोंग कितनी दूर है, कहता 20 किलोमीटर। बाकी 20 किलोमीटर दूर है फिर हम पहुँचने वाले हैं। मैप वैप यहाँ चल नहीं रहा, कुछ भी नेटवर्क है नहीं, तो कुछ आइडिया लग नहीं रहा, बस चला ही देखने के पहुँचेंगे। ऊपर देखो भाई, बर्फ, ग्लेशियर ही ग्लेशियर, ग्लेशियर पॉइंट है दोस्तों ये वाला, ऊपर वाला। मेरे सामने वो दोनों जा रहे हैं, स्पेन वाले राइडर। और वो देखो, वो है पैंगोंग का पहला व्यू, क्या बात है, ऑसम। पैंगोंग लेक की खास बात, इधर पानी का कलर कुछ हो रहा है, वो पीछे वाला जो पानी है उधर वाला वो अलग ही ब्लू काफी सारा है। क्या बात है, वेरी नाइस।
गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक के पास। ये भी पेंगोंग लेक के किनारे, वाह व्यू देख के दिल खुश हो रहा है यार। मतलब कि ये देखो अलग अलग कलर का पानी, बहुत ही ऑसम। भाई वो नीचे शूटिंग पॉइंट है, वो फोटो वोटो क्लिक करने के। फिर रास्ता पता नहीं कहाँ से जाने का नीचे। यहाँ से है दोस्तों, ये कितनी बड़ी लेक है। जहां तक निगाह जा रही है लेक ही लेक है। ये देखो वो है पॉइंट जहां लोग फोटोशूट वगैरह कराते हैं, और ये सब जंप जंप ले गए। ये सीनरी पेंगोंग लेक तक जाने का रास्ता। कुछ ऐसा है और ये पेंगोंग लेक। पूरा ऑफ रोडिंग व्हीकल बन गया ये। रास्ता कहाँ से है? रास्ता बहुत खराब है यार, नीचे जाने का वो तेरी तो पंगा ही ले लिया। ओए पहुंच गए। फाइनली भाई ये तो पूरा ही ऑफ रोड है, खतरनाक वाला। और इस पे भी अपना बुलेट मस्त चल रहा है, कमाल की बात। वो फाइनली पहुंच गए पेंगोंग लेक। यस